हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएससी पाठक ब्लॉग एंड दिस इज मंजू पाठक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं पहुँच चुकी हूँ बाजपुर अपने भैया भाभी के यहाँ पे। भैया भाभी मतलब मेरे मामा के बेटा और बहू यहाँ पे रहते हैं। तो भैया आए हुए थे हमें लेने के लिए। तो अभी जस्ट हम पहुँच ही रहे हैं। अंधेरा हो चुका है बाहर, रात के 8 बज चुके हैं। तो मैं अभी आप लोगों से उनको मिलवाऊंगी, सभी से, भैया से, भाभी से और देव से। हम दोनों आए हुए हैं यहाँ पे और वैभव भी आए हुए हैं साथ में। वैभव फिलहाल भैया के साथ गया हुआ है। इतना पानी डाल के ले आई, वैसे ही पसीने से गंगा जमुना बहेगी। वो भैया भाभी और उनके दो बच्चे, बड़ा बेटा भैया का बीटेक कर रहा है अभी और छोटा है 10th में। ये देखो बचपन की फोटो, ये हीरो। और ये है देव का रूम, यानी कि भैया भाभी के बच्चों का रूम। और ये हैं भगवान जी, जय हो भगवान जी। ये देव की स्टडी टेबल, ये भैया भाभी की पिक्चर देखिए जब इनकी शादी हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, बालकनी भी 2 साइड ओपन है। एक तो मैंने आपको पिछली तरफ को दिखाई थी और एक इस तरफ को, इस तरफ को भी प्लांटेशन है। फ्रेंड्स ये है खाना। हाँ, और अब हम खाना शुरू कर रहे हैं। खाने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। जैसा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने कल ही कर दी थी रात से, तो मैंने सोचा कि अगले दिन तक भी ब्लॉग चलता रहेगा, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड करने से अच्छा था मैंने कहा एक ही पार्ट में ले लूँगी। दो साइड पे बालकनी है, तो ये है बैक साइड वाली बालकनी। ये देखो अमरूद के पेड़। कल रात को हम भाभी के साथ नाइट वॉक पर गए थे नीचे, तो अमरूद का पूरा बगीचा भाभी ने दिखाया था। ये देखिए इस तरीके के फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ कम से कम 150 फैमिलीज रहती हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये। और ये नए बने हुए हैं सामने। ये तो गाइस ये है फ्रंट साइड की बालकनी, जैसा कि कल रात में मैंने आप लोगों को दिखाया था, बट अभी मैं आप लोगों को मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके के फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पे। ये और वो जो सामने फ्लैट बने हैं वो अभी नए बने हुए हैं, उस साइड को जो है वो सामने, और ये सारे पुराने। तो गाइज फाइनली हम आपको मिलवाएंगे अपनी सुंदर सी भाभी से। हाय, ये है मेरी भाभी, यानी कि मेरे मामा जी की बहू, जिनके यहाँ पे हम बाजपुर अभी आए हुए हैं। और फिलहाल हम इनके साथ निकले हैं घूमने, इनकी पूरी कॉलोनी देखनी है, विजिट करनी है हमें। यहाँ से देखिए आप एक सुंदर सा व्यू सामने का। वो पीछे ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे कि बच्चे खेलते हैं कोई सा भी गेम्स, जैसे कि कोई सा भी नहीं, क्रिकेट, क्रिकेट या फिर फुटबॉल वगैरह। हाँ, और इधर है सामने भैया भाभी का घर जहाँ से अभी हम आए हैं। धान लगा है। हाँ, और ये गन्ने के खेत है। गाइस देखिए कितना सुंदर व्यू है एकदम। एक ये इधर से एक नाला इधर से आता है, ये जो पानी का खेतों में जो सिंचाई होती है ना, एक उधर से आता है। यहाँ के राजा का घर भी दिख रहा है। देखो कहाँ यहाँ का राजा,
यहाँ पे थोड़े ना था ब्यूटीफुल। तो आप लोगों को भी कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो गाइज ये है पूरा रेसिडेंटल एरिया जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, और पीछे है कंपनी वाला एरिया, इसी के जस्ट आगे जा कर के वहाँ पे है भैया की कंपनी जो इसी से अटैच्ड है, इसी से लग के है, यहीं से गेट है वहाँ जाने के लिए। और ये पीछे पार्किंग एरिया, और वो पीछे इसी से लगा हुआ एक गांव है। ये नीचे आप घूम सकते हो, वॉक कर सकते हो नाइट में या फिर मॉर्निंग में, इवनिंग में कभी भी। मौसम देख सकते हो आप अभी कैसा हो रहा है, एकदम क्लाउडी मौसम है, बादल लगे हुए हैं, और बारिश तो मुश्किल है होनी, गर्मी हो रही है बहुत तेज। तो गाइज अभी हम इस पे चढ़े थे ऊपर छत पे लास्ट टेरेस पे, वहाँ से हमने आप लोगों को व्यू दिखाया था। अब हम जा रहे हैं आगे, साथ ही हमारा लड्डू गोपाल। ये है जिम, यहाँ पे ये सारा कंपनी की तरफ से अरेंज किया हुआ है। इसमें टाइमिंग है लेडीज की सुबह, जेंट्स की शाम को, फिक्स टाइमिंग कर रखी है, ये देख सकते हैं आप। ये बाबी ट्रेडमिल पे चल रही है, हो गया। चलते रहना, गिर जाओगे अगर रुकोगे तो। तो फ्रेंड्स जिम से भी आ चुके हैं हम लोग, आज हमने जिम में एक्सरसाइज कर ली, बहुत सारा फैट बर्न कर लिया है मैंने, तो एकदम हो गई हूँ पतली सी। इंटरनेट कैफे, देखो भाई ये बच्चा अपनी मर्जी से आया है कैमरा, अच्छा नहीं मार रहा, इसलिए प्लीज सिक्योरिटी गार्ड 555 आ जाइए और इसको ले जाइए रिसेप्शन एरिया। यह है योगा रूम, बट अभी ये क्लोज है, तो हम देखते हैं बाहर से। गाइस ये है इंडोर गेम्स रूम एंड दिस इज हेयर ड्रेसर। ये भी बंद है। तो गाइस ये है क्लब एरिया, लेडीज क्लब, बट अभी भी क्योंकि इसमें मंथ में केवल एक दिन ही एंट्री होती है, तो फिलहाल हम बस बाहर ही बाहर देख रहे हैं भाभी के साथ। यहाँ से वही व्यू आपको थोड़ा दूसरे तरीके से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये है शॉप, अंकल नमस्ते। यहाँ से आप, हाँ ये पूरी कॉलोनी वालों के लिए है ना,
ठीक है। हेलो कह दीजिए। गाइस देखिए कनेर, वो लाइट पिंक है और कटिंग कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ बहुत सॉफ्ट है, कल मैं आपके हाथ ला के जाऊंगा। तो गाइस देखिए यहाँ आकर के ना भैया भाभी के यहाँ पे आकर के मेरा तो मन खुश हो गया बहुत ही ज्यादा। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हैं चंपा के पेड़ जिनका गजरा बनता है ना भाई। ये वाओ, ओह माय गॉड, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। यहीं से स्टार्ट हो जाती है भैया की फैक्ट्री जो आगे है। भाभी इनकी खुशबू ये वही है ना जिससे गजरा बनता है, तो मोगरा, वो तो मोगरा कहते हैं। घूमने की जगह है। इसकी खींच लो फोटो। तो गाइज ये है पूरे वनस्थली, वनस्थली मैप है यहाँ का। ये यहाँ का मैप है पॉलीप्लेक्स, ये देखिए। ये होता है जो तुम कह रही ना मोर पंखी, ये होता है पार्क के अंदर। कहीं हवा कहीं नहीं चल रही बेटा, गर्मी हो रही है। नहीं झूला, अगर झूला झूलेंगे लो, झूला झूलना है। फेक स्माइल मत कर। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे का गेस्ट हाउस, जो भी गेस्ट आते हैं वो यहाँ स्टे करते हैं। अंदर जाना बाकी लोगों के लिए अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोगों को बाहर से ही बस बता रही हूँ कि दिस इज़ अ गेस्ट हाउस। और वो भी जो यहाँ पे मतलब इस कंपनी के गेस्ट होते हैं वही यहाँ पे हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई भी किसी के भी गेस्ट आए और उनको यहाँ ले करके आ गए, जस्ट जोकिंग। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं चिल्ड्रंस पार्क में, यहाँ पे कि वैभव को थोड़ा झूला झूलना है और हम देख लेंगे कि कैसा है पार्क।
तो गाइज ये देखिए ये सिटिंग एरिया, अगर आप पार्क में खेल के थक गए हो तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे शाम को एकदम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो ये सावन के झूले झूल रहे हैं। आगे पीछे एक ये भी है स्लाइडिंग। देखते झूले जरा तो फ्रेंड्स इस एरिया को देख करके ये मत सोचिएगा कि ये कोई टूरिज्म प्लेस है। वैसे कि ये है मेरे भैया भाभी को कंपनी की तरफ से मिला हुआ घर और ये चारों तरफ का लोकेशन कितना सुंदर है आप देख सकते हैं खुद ही। ब्यूटीफुल प्लेस, दिल खुश होने वाला, दिल खुश कर देने वाली जगह है। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर। ये घास कटिंग हो रही है, पेड़ पौधों की कटाई छटाई। तो गाइस वैसे बाहर से अंदर जाने का मन तो कर नहीं रहा है लोकेशन को देख करके, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। वैसे मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश आए या ना आए गर्मी कम होने वाली नहीं है यहाँ। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर, क्योंकि घर जाके भाभी बनाएंगी खाना, भैया आ जाएंगे दोपहर में लंच के लिए। और गाइस ये देखिए फूल, वो देखिए ये जो घर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं जो यहाँ पे के मैनेजर्स वगैरह हैं, तो ये उन लोगों के घर बने हुए हैं इस साइड को। बाकी ये जो बाकी उधर घर हैं ये एम्प्लॉयज़ के हैं। और ये बना हुआ है स्पोर्ट्स के लिए, जैसे आप लोगों को आउटडोर कुछ गेम खेलने हैं जैसे क्रिकेट वगैरह भी इसके अंदर खेल सकते हैं, बाकी बैडमिंटन वगैरह भी खेल सकते हैं। और क्योंकि इसके बाहर आपकी कॉक या फिर आपकी बॉल वगैरह नहीं जाए, उसके लिए चारों ओर से कवर कर दिया गया है। तो इसके अंदर बच्चे अपना गेम्स वगैरह या बड़े कोई भी अपना गेम्स वगैरह खेल सकते हैं बड़े आराम से। पता नहीं किस चीज़ के हैं पेड़, देखो कैसे बीज, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं ये बीज। वो देखो उनका फूल भी बड़ा सुंदर लग रहा है पर्पल कलर में जो हो रखा है ऊपर। तो गाइज ये है चांदनी का पेड़ और ये है चांदनी के फूल, इनमें खुशबू तो नहीं है। ये किस चीज़ का है? तो गाइस फाइनली हम पूरा टूर लेकर के आ चुके हैं, वापस घर के अंदर पहुंच चुके हैं। मतलब जो भैया भाभी के कंपनी का रेसिडेंटल एरिया है पूरा हम घूम चुके हैं, मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाई वहां पे जाके। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर पे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जानने वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।